नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते थे। जिन्ना का परिवार मुख्य तौर पर गुजरात के काठियावाड़ का रहने वाला था। गांधी जी और जिन्ना दोनों की जड़ें इसी जगह से ताल्लुक रखती थी। जिन्ना के दादा का नाम प्रेमजी भाई मेरठ जी ठक्कर था। वो हिंदू थे। वो काठियावाड़ के गाँव पनेली में रहने वाले थे। प्रेमजी भाई मछली का कारोबार करते थे। मछली के कारोबार से उन्हें बहुत पैसा कमाया। वो ऐसे व्यापारी थे जिसका कारोबार विदेशों में भी था, लेकिन वो जिस लोहाना जाति से ताल्लुक़ रखते थे उसके लोगों को उसका बिजनेस नहीं पसंद था। दरअसल लोहाना कट्टर शाकाहारी थे, धार्मिक तौर पर मांसाहार से सख्त परहेज करते थे। लिहाजा जब प्रेमजी भाई ने मछली का कारोबार शुरू किया, वो इससे पैसे कमाने लगे। उनके ही जाति से इसका विरोध होना शुरू हो गया। उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने ये व्यापार बंद नहीं किया तो उन्हें जाति से बाहर कर दिया जाएगा। फिर वो स्थिति आ ही गई, उन्हें वाकई जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। प्रेम जी ने इसके बाद भी बिजनेस जारी रखा और उसके साथ ही जाति समुदाय में वापस लौटने की कोशिश की। समुदाय के लोगों को समझाया बुझाया बात नहीं बनी, उनका बहिष्कार जारी रहा। अकबर एस अहमद की किताब जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में विस्तार से उनकी जड़ों की जानकारी दी गई है। समाज के इस बर्ताव का परिवार पर बहुत गहरा असर पड़ा। प्रेमजी भाई के बेटे और जिन्ना के पिता पूजालाल ठक्कर ने इस बर्ताव का भारी विरोध किया। इसके बाद पूजालाल ने धर्म बदलने का फैसला ले लिया और मुस्लिम धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बेटों के नाम भी बदल दिए। हालांकि पूजालाल ने निकनेम जिन्नो को नाम में लगाए रखा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी पहले जिन्नो था, जिसके बाद उन्होंने बदल कर जिन्नो से जिन्ना कर लिया। इसके बाद जिन्ना के फैमिली ने इसी सरनेम को आगे फॉलो किया। हालांकि प्रेमजी भाई के बाकी लड़कों ने धर्म नहीं बदला था, जबकि पूजालाल और उनका परिवार अपने भाइयों और रिश्तेदार तक से अलग हो गए थे और काठियावाड़ से कराची चले गए। कराची में पूजालाल का बिजनेस और तेजी से बढ़ा। वो एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर सामने आए, जिसकी कंपनी का ऑफिस लंदन तक में खुल गया था। दैनिक भास्कर के एक आर्टिकल के हिसाब से मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी पूजालाल ने अपने बच्चों को खुले धार्मिक माहौल में रखा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का प्रभाव था।